एसपी लाइफ साइंस चैनल। इन द लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। आज हम दोस्तों ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग की हिस्ट्री क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद देखेंगे ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल हम देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग का उसके बाद में प्रोसीजर देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव सेल्स और ग्राम नेगेटिव सेल्स जो होती हैं उनमें क्या किस तरह का डिफरेंस आता है, मॉर्फोलॉजिकली किस तरह की दिखाई देती हैं। इसमें हम ग्राम स्टेनिंग के लिए जो स्मियर प्रिपेयर किया जाता है उसका प्रोसीजर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग का हिस्ट्री के बारे में। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है, सबसे पहले जो हैंस क्रिश्चियन जोशीम ग्राम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोसीजर डेवलप किया था। और ये जो प्रोसीजर था उन्होंने 1884 में ये प्रोसीजर डेवलप किया था। डॉक्टर ग्राम वाज वर्किंग ऑन लंग टिश्यू सेक्शंस, वो उन्होंने लंग टिश्यू सेक्शंस की स्टडी की थी। और ये जो सेक्शंस थे वो एक पेशेंट जो था वो निमोनिया की वजह से डेड हो गया था, उसके लंग टिश्यू सेक्शन को उन्होंने स्टडी किया था। और उनके लंग टिश्यू सेक्शंस के अंदर उन्होंने ये बैक्टीरिया देखे और बैक्टीरिया की वो स्टेन किया और उन्होंने ये प्रोसीजर डेवलप किया था। आगे हम बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। इट इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग, ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, ठीक है, विच रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 केमिकल रिएजेंट। इसके अंदर 3 केमिकल रिएजेंट जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं और विच आर अप्लाइड सिक्वेंशियली टू हीट फिक्स स्मियर। द फर्स्ट रिएजेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन जो होता है क्रिस्टल वॉयलेट होता है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट जो प्राइमरी स्टेन के रूप में यूज किया था, विच इम्पार्ट कलर टू ऑल सेल्स, सभी सेल्स को जो है जो प्राइमरी कलर जो होता है वो देता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कलर कॉन्ट्रास्ट सेकेंड रिएजेंट जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो है डी कलराइजिंग एजेंट जो इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि एल्कोहल होता है। बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल सेल्स के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो डी कलराइजिंग एजेंट होता है वो दैट मे नॉट रिमूव द प्राइमरी स्टेन, ठीक है। ये हो सकता है कि इसमें प्राइमरी स्टेन को नहीं हटाए, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि केमिकल सेल्स का केमिकल कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है किस तरह का है, ठीक है, या उसका कोई पार्शियल जो होता है पार्शियली इसको रिमूव करे। द फाइनल रिएजेंट जो होता है वो है काउंटर स्टेन के रूप में हम लेते हैं सेफ्रेनिन, ठीक है। सेफ्रेनिन जो होता है ये हम यूज करते हैं, इट हैज ए कॉन्ट्रास्टिंग कलर, पिंक कलर देता है, ठीक है, पिंक और रेडिश कलर देता है टू दैट सेल ऑफ प्राइमरी स्टेन। जो प्राइमरी स्टेन जो लिए होती हैं उनको अगर प्राइमरी स्टेन रिमूव हो जाता है और काउंटर स्टेन आता है तो सेफ्रेनिन की वजह से पिंक कलर लेती हैं। फॉलोइंग डीकलराइजेशन, अब डीकलराइजेशन जब होता है तो प्राइमरी स्टेन जो होता है इज नॉट वॉश्ड आउट, द काउंटर स्टेन कैन नॉट बी अब्सॉर्ब। अगर प्राइमरी स्टेन नहीं हटेगा, ठीक है, तो काउंटर स्टेन नहीं आएगा और द सेल्स और कंपोनेंट होते हैं उसमें प्राइमरी स्टेन बना रहेगा, ठीक है। इफ द प्राइमरी स्टेन इज रिमूव्ड, अगर प्राइमरी स्टेन रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो डीकलराइज सेल्स होती है सेलर कंपोनेंट विल एक्सेप्ट एंड अज्यूम कॉन्ट्रास्टिंग कलर, वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले लेती हैं, ठीक है। इन दिस वे सेल ऑल द सेल टाइप्स और देयर स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से जो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल्स होती है उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश अलग अलग पहचाना जा सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन दैट इज रिटेन, कौन सा स्टेन जो लेते हैं उसके बेसिस पे इनको पहचाना जाता है। आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशियल स्टेन होता है वो यूज किया जाता है। डिफरेंशियल स्टेन इन बैक्टीरियोलॉजी इज ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जो है ये बनाया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम द्वारा। ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द बैक्टीरिया इन टू मेजर ग्रुप्स, एक है ग्राम पॉजिटिव ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड करता है और ग्राम नेगेटिव, इस तरह से दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल स्टेन के बेसिस पे, ठीक है। द ग्राम स्टेन यूजेस 4 डिफरेंट रिएजेंट, इसमें जो है 4 अलग अलग तरह के रिएजेंट यूज किए जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहला है प्राइमरी स्टेन, ठीक है। प्राइमरी स्टेन में हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट। दिस वॉयलेट स्टेन इज यूज फर्स्ट एंड स्टेन सेल्स पर्पल, जो सबसे पहले यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि प्राइमरी स्टेन। और सेल्स को कैसा कलर देता है, इस सेल्स को गिव्स पर्पल कलर। सेकंड है मोर्डेंट,
मोर्डेंट कौन सा होता है? मोर्डेंट इज ए ग्राम सायोडीन सॉल्यूशन। दिस रिएजेंट सर्व्स एज ए मोर्डेंट। मोर्डेंट क्या होता है? इट इज सब्सटेंस दैट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन के साथ बाइंड करके इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी वजह से जो है आगे रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो होता है क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये बन जाता है और कलर को और थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर देता है, और जिसकी वजह से दिस पॉइंट जो होती है सेल्स अपियर पर्पल ब्लैक कलर। इस पॉइंट पर जो सेल्स पर्पल ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। इन ग्राम पॉजिटिव सेल्स, अगर हम ग्राम पॉजिटिव सेल्स की बात करें, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेल्स की, तो ये सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो बाइंड मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट के साथ बाइंड करता है सेल वाल के, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होते हैं मैग्नीशियम आरएनए कंपोनेंट होते हैं वो सेल वाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ जो है सीवीआई कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है, और उसकी वजह से जो है जो नया कंपोनेंट बनता है और मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम आरएनए सीवीआई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव और ये हटता नहीं है देन द स्मॉलर सीवीआई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं इथाइल एल्कोहल जो कि 95% होता है। दिस रिएजेंट सर्व्स एज ए ड्यूल फंक्शन। इसके ड्यूल फंक्शन होते हैं, एक तो फंक्शन होता है इसका लिपिड सॉल्वेंट, लिपिड को सॉल्व करता है, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में, एंड एज ए प्रोटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रोटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो एथाइल एल्कोहल लिपिड सॉल्वेंट और प्रोटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट्स एक्शन इज डिटरमाइंड बाय लिपिड कंसेंट्रेशन। ये जो इसका एक्शन जो है माइक्रोबियल सेल के अंदर लिपिड कंटेंट कितना है उसके थ्रू डिटरमाइन करता है, किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स की हम बात करें कि इसके अंदर जो है ग्राम पॉजिटिव सेल्स के अंदर लिपिड कंटेंट लो होता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेंशन ऑफ मैग्नीशियम सी आर एन ए सी वी आई कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम आर एन ए सी वी आई क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है वो बना रहता है, ठीक है। देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट इज रेजिली डिसॉल्व। तो इसमें जो है जो लिपिड कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ही डिसॉल्व होता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट सेल वाल पोर। तो इसमें जो सेल वाल के अंदर माइन्यूट पोर ही बनते हैं और इन पोर्स को जो है दीज आर देन क्लोज बाय एल्कोहल डिहाइड्रेशन इफेक्ट, और इन पोर्स को है एल्कोहल डिहाइड्रेशन इफेक्ट के थ्रू वापस से फिल कर दिया जाता है, ठीक है। एज अ कंसिक्वेंस इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? द टाइटली बाउंड प्राइमरी स्टेन जो होता है इज डिफिकल्ट टू रिमूव। तो प्राइमरी स्टेन जो होता है वो हटता नहीं है, ठीक है, और प्राइमरी स्टेन इज डिफिकल्ट टू रिमूव एंड द सेल्स रिमेन पर्पल। तो सेल्स कैसे रहेंगी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पर्पल ही रहेंगी, ठीक है। आगे हम बात करें ग्राम नेगेटिव सेल्स की, ठीक है। ग्राम नेगेटिव सेल्स के अंदर लिपिड कंटेंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। कंसेंट्रेशन फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज डिसॉल्व बाय एल्कोहल क्रिएटिंग ए लार्ज पोर। इसमें लार्ज पोर बन जाता है सेल के अंदर इन द सेल वॉल दैट डू नॉट क्लोज एप्रिशिएबली ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सेल वॉल प्रोटीन्स। दिस फैसिलिटेट रिलीज ऑफ द अनबाउंड सीवीआई कॉम्प्लेक्स। इसके कारण जो है एक सीवीआई कॉम्प्लेक्स होता है ये अब निकल जाता है, ठीक है, रिलीज होता है और इस सेल से बाहर निकल जाता है और सेल्स को कलरलेस बना देता है, सेल्स कलरलेस और अनस्टेन। आगे हम बात करते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन के रूप में हम यूज करते हैं सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन दिस इज द फाइनल रिएजेंट, इसे हम क्या कहते हैं? फाइनल रिएजेंट भी कहते हैं। यूज टू स्टेन रेड, जो सेल्स को जो है रेड कलर देता है दैट हैव बीन प्रीवियसली डीकलराइज्ड, जो कि वो सेल्स होती हैं डीकलराइजेशन से जो अपना कलर दे छोड़ देती हैं उनको ये काउंटर स्टेन होता है सेफ्रेनिन रेड कलर देता है। सिंस ओनली ग्राम पॉजिटिव सेल्स अंडर गो डीकलराइज, और जैसा कि हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव जो सॉरी ग्राम नेगेटिव सेल्स होती है वो डीकलराइजेशन के लिए जो होती है डीकलराइज होती है, इसलिए इनके अंदर ये काउंटर स्टेन जो होता है इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स रिटेन पर्पल कलर, ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो होती हैं पर्पल कलर रिटेन करके रखती हैं, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी स्टेन। अब हम बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के लिए जो है स्मीयर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इस स्मीयर प्रिपरेशन की बात करते हैं। स्मीयर दो तरह से तैयार किया जा सकता है, एक तो होता है फ्रॉम लिक्विड कल्चर मीडिया एंड फ्रॉम सॉलिड कल्चर मीडिया, लिक्विड और सॉलिड कल्चर। लिक्विड कल्चर मीडिया जो होता है इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, और सस्पेंशन कल्चर
है। और जो है इसके अंदर जो है ये सॉलिड मीडिया जिसमें यूज किया जाता है, सॉलिड मीडिया इसके अंदर यूज किया जाता है, इसके अंदर अगरोज होता है, मिक्स रहता है। तो हम इन दोनों का कंपेरेटिवली एनालिसिस करते हैं कि दोनों का, लिक्विड कल्चर मीडिया और सॉलिड कल्चर मीडिया दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विड और सॉलिड मीडिया में हम क्या आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि प्लेस वन और टू लूप फुल ऑफ सेल सस्पेंशन ऑन क्लीन स्लाइड। एक क्लीन स्लाइड लेंगे, ठीक है, सेल सस्पेंशन लेंगे, ठीक है, और उस पर जो है टू लूप फुल जो है ये क्लीन स्लाइड पे ये सैंपल डालते हैं। दूसरा जो सॉलिड मीडिया वाला जो है वहां से हम जो है टेक वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर के ड्रॉप डालते हैं ऑन द लूप एंड प्लेस इट ऑन द सेंटर ऑफ द स्लाइड, और वो सेंटर ऑफ द स्लाइड पे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सस्पेंशन कल्चर से हम लेते हैं, और इसमें हम सॉलिड मीडिया कल्चर से लिया हमने, तो वाटर ड्रॉप लिया और इसको सेंटर में रखा। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में विद ए सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द लूप, लूप के सर्कुलर मूवमेंट जो है सस्पेंशन जो होता है उसको हम फैला देते हैं, और जो है एक डाइम की तरह इस तरह से हमने इसको फैला दिया, इस तरह से हमने ये हमने लूप से हमने इसको स्प्रेड कर दिया। और इस जबकि सॉलिड के कल्चर मीडिया वाले प्रोसेस में क्या करते हैं कि ट्रांसफर द स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल इनोकुलिन। अब इस जो वाटर ड्रॉपलेट हमने रखी थी यहाँ पर, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल इनोकुलम जो होता है वो स्लांट से हम लेते हैं, स्लांट कल्चर से, ठीक है, और इन टू द ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की ड्रॉपलेट जो हमने रखी थी उस पर हम डालते हैं, और उसको इसी तरह से स्प्रेड कर देते हैं जैसे हमने प्रीवियस वन इसको हमने स्प्रेड किया था, उसी तरह से इसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर है वो फिक्सेशन। अब फिक्सेशन जो होता है सस्पेंशन कल्चर में जो है इट अलाउ द स्मियर टू एयर ड्राई, इसमें एयर ड्राई करते हैं स्मियर को, ठीक है, वाइल दू सेकेंड प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो है सॉलिड कल्चर मीडिया वाला, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर सकते हैं, ठीक है, लाइट जो बुनसन बर्बन होती है उसके अंदर 2 to 3 times जो हल्का सा स्लाइटली इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना गर्म नहीं करते कि वो बैक्टीरिया जो है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए हम इसमें स्लाइट हल्का बहुत लाइट कलर लाइट जो है टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, ठीक है, 2 to 3 seconds के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब हम बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह से ये किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस फिगर के अंदर, यहाँ पर ये स्मियर है, इट इज ए स्मियर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्मियर जो होता है अगर हम कर्ड से करना चाहें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी लिया जा सकता है, ठीक है, लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो है ये कर्ड दही जो होता है दही से हमने ये लैक्टोबैसिलस लिया और उसका हम स्मियर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, या फिर हम दूसरा हम सस्पेंशन कल्चर भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी अभी आप चाहें वो कर सकते हैं, जिस जो भी इस तरीके का आप यूज करना चाहें। जैसे हम सेल सस्पेंशन कल्चर हम लेते हैं, तो सस्पेंशन कल्चर जो है हमने अच्छे से शेक कर लेना होता है, तो शेक कर लिया सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, वेरी वेल, और उसके बाद में ट्रांसफर अपेडली 3 to 4 लूप फुल टू द क्लीन ग्लास स्लाइड एंड मार्क फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने ये इसका स्पेयर बना लिया, और उसके बाद में एयर और हीट ड्राइंग कर लेते हैं, या तो एयर कर सकते हैं, हीट ड्राइंग जो डिपेंड करता है कि कल्चर कैसा है। उसके बाद जो है हीट फिक्सेशन करते हैं एयर ड्राई करने के बाद, ठीक है, हीट फिक्सेशन करेंगे, देन कवर द फिल्म विद क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है। अब उस फिल्म को जो है यहाँ पर इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से क्रिस्टल वॉलेट जो है हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, और कितनी देर रखा हमने इसको, वी विल कीप इट फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर में हम जो 30 सेकेंड के रखा और उसके बाद में हम वॉश जेंटली इसको धीरे से वॉश करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने वॉश कर दिया, ठीक है, और कवर द फिल्म विद आयोडीन। अब उसके बाद जो है फिल्म किससे कवर करते हैं, आयोडीन से, और उसको 2 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमने ये आयोडीन कर किया और उसके बाद एड फ्रेश आयोडीन लीव फॉर 1 मिनट, दोबारा से आयोडीन यूज करते हैं और 1 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन ये हमने इस पर डाला, ठीक है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसमें आगे बात करते हैं कि उस वायोडीन सॉल्यूशन के बाद हमने इसको वॉश जेंटली हल्के से इसको वॉश किया, ठीक है, और देन डीकलराइज बाय कवरिंग द फिल्म यूजिंग एल्कोहल एसीटोन फॉर 5 सेकेंड। इसमें हम जो है एल्कोहल जो यूज करते हैं, एल्कोहल या एसीटोन जो होता है, एल्कोहल ज्यादातर 95% एल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है, इस एल्कोहल को या फिर एसीटोन को यूज किया जाता है, जो लगभग 5 सेकेंड के आसपास के टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो हम देखिए यहाँ पर इस तरह एल्कोहल स्लाइड को हमने हल्का सा टिल्ट करके रखा है और धीरे धीरे एल्कोहल की ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इसको डाली है और इससे जो है ये डीकलराइजेशन हो जाता है, यानी कि प्राइमरी स्टेन जो होता है, अगर ग्राम नेगेटिव सेल है प्राइमरी स्टेन जो है उसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये डीकलराइजेशन प्रोसेस है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे प्रोसीजर हम देखते हैं कि ये जो डीकलराइजेशन के बाद में वॉश जेंटली इसको हम वॉश कर देते हैं और कवर द फिल्म विद सेफ्रेनिन। अब हम काउंटर स्टेन लेते हैं, ठीक है, एंड लीव इट फॉर 5 मिनट्स। तो सेफ्रेनिन जो होता है इट इज ए यूज, यहाँ पे हमने सेफ्रेनिन लिया, ठीक है, और फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए रखा। इन द नेक्स्ट प्रोसीजर वॉश जेंटली, ठीक है, लीव इट टू ड्राई, फिर उसके बाद में हमने इसको क्लीन कर दिया और थोड़ी देर में इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब इस तरह से आपकी स्लाइड तैयार हो गई है और स्लाइड को जो है एड ऑयल, ऑयल ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, और एंड यूज इमर्शन लेंस, ठीक है, इसको इमर्शन लेंस में हम इसको माइक्रोस्कोप में इसको स्लाइड को देखते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से हमने ये स्लाइड को हम ग्राम स्टेन करके इस प्रोसीजर से हम देखते हैं और हम इसकी स्टडी करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के दौरान कुछ प्रिकॉशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रिकॉशन कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रिकॉशन है कि अवॉइड एक्सेसिव डीकलराइजेशन। एक्सेसिव डीकलराइजेशन होता है, इसको हमको रोकना होता है, ज़्यादा डीकलराइजेशन नहीं करना होता है। अवॉइड इनसफिशियंट डीकलराइजेशन, जो इनसफिशियंट या डीकलराइजेशन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि इनसफिशियंट रहे, ठीक है। स्टेन्स आर एडेड ऑन कूल स्लाइड्स, तो स्टेन्स होते हैं वो ठंडी स्लाइड पे यूज करते हैं, एकदम हीट गर्म की भी स्लाइड पे हम कलर्स नहीं डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट ड्राई बाय हीट आफ्टर स्टेनिंग। स्टेनिंग के बाद में जो है हम उसको डोंट ड्राई, हमको ड्राई नहीं करना आता है, ठीक है। अब हम देखिए कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव सेल्स और ग्राम नेगेटिव सेल्स का जो है अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें इस ग्राम स्टेनिंग का, तो आपको किस तरह से दिखेगा। तो प्रिंसिपल टेक्निक, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी स्टेन यूज किया क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, तो क्राइम क्रिस्टल वॉयलेट हमने यहाँ पे इसमें यूज किया है क्रिस्टल वॉयलेट, तो उसके बाद वजह से जो है ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स और ग्राम नेगेटिव सेल्स जो होती हैं वो इस तरह के कलर ले लेती हैं, तो दोनों के अंदर जो है प्राइमरी स्टेन का कलर आता है। उसके बाद में जो है मोर्डेंट हम यूज करते हैं, मोर्डेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन। आयोडीन का ट्रीटमेंट हमने दिया यहाँ पर दोनों सेल्स के अंदर, यहाँ तक जो है दोनों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है CVI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट डीकलराइजिंग एजेंट होता है एल्कोहल, जिसको 95% एल्कोहल होता है, ये डीकलराइजेशन स्टेप होती है और इसको हम डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं। यहाँ पर जो है डीकलराइजेशन की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती हैं वो कलर को, प्राइमरी स्टेन के कलर को रिटेन करके रखती हैं, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल्स होती हैं, ये ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं और ये जो है इनमें कलर निकल जाता है, तो डीकलराइजेशन हो जाता है। अब हम जो है डिफरेंशियल स्टेप में हम आगे हम क्या यूज करते हैं, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन के रूप में हम यूज करते हैं सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती हैं वो तो अपना कलर रिटेन करके रखती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल्स शुरुआत में जो है यहाँ पे डीकलराइजेशन वाली स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर जो है यहाँ पे इनके अंदर कलर निकल गया था, अब ये जो है सेफ्रेनिन का कलर ले लेती हैं। सेफ्रेनिन के कलर की वजह से जो कैसी दिखाई देंगी, ग्राम नेगेटिव सेल्स पिंक कलर की, जबकि ग्राम पॉजिटिव सेल्स कैसी दिखती हैं, पर्पल कलर की, ठीक है, ये जो है दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखता है। तो दोस्तों इस तरह से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल्स जो होती हैं वो अपना अपना कलर लेती हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स होती हैं वो पर्पल कलर लेंगी और ग्राम नेगेटिव सेल्स होती पिंक कलर की देखती हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स है, ठीक है, इसका स्लाइड है आपको ऐसी दिखाई देगी और ग्राम नेगेटिव सेल्स होंगी उनकी स्लाइड होती है वो इस तरह की दिखेंगी, इसमें सारी सेल्स होती है पिंक कलर की होंगी, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो सेल्स होंगी कैसे कलर की दिखेंगी,
पर्पल कलर की दिखाई देंगी। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल्स में ये डिफरेंस है। अगर हम स्टेन करके देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर देती है और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर देती है। तो दोस्तों, आपको ग्राम स्टेनिंग का आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा, और ये हमने आपके लिए ये इस तरह का प्रोसीजर बनाया है। आशा करते हैं कि आपको प्रोसीजर आके आप इसको यूज करेंगे लैब में, उसको समझेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और उनको साथ शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।